और ये सामने जो आप देख रहे हैं यह है धनुष पुल। ये सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यह सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह है मनसा देवी मंदिर। यही गंगा जी हैं जो रौद्र रूप धारण कर रखी थी। और आज देखिए तो हरि के द्वार, हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, देव की नगरी, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड में मैं इस समय आया हुआ हूँ। और साथियों, ये है हरिद्वार। तो हम लोग आज हर की पौड़ी और राम झूला और जो भी दार्शनिक स्थान है वहाँ पर चलेंगे और घूमेंगे, देखेंगे, जैसा भी जो होगा। लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहला जो कार्य होता है वह यह होता है कि हम होटल ढूंढें। तो हम चलते हैं पहले होटल ढूंढें। यहाँ रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर शंकर भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ भीड़ लगा हुआ है, लोग फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सुंदर हरिद्वार का ये रेलवे स्टेशन है जिसे आप देख सकते हैं। और मुख्य रेलवे स्टेशन जो मैं इधर से बाहर अभी निकल करके आया हूँ। और इधर भी जो मंदिर का एक रूप दर्शाया गया है। और यहाँ से हम लोग टेम्पू लेंगे और टेम्पू लेकर के आगे बढ़ेंगे होटल ढूंढने के लिए। तो साथियों, हम लोग को होटल मिल गया है। ये है होटल सुरेश, इसे आप ओयो पे भी सर्च कर सकते हैं। ये विष्णु भवन के ठीक पीछे है। तो चलिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर के कमरे। और यहाँ से आपको डेली सर्विस मिलती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ पे रिसेप्शन है इस समय, हालांकि कोई है नहीं, रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सीढ़ियों से आप ऊपर भी जा सकते हैं। तीन मंजिला बना हुआ है यह होटल। और ये है यहाँ के कमरे। ये देखिए, ये सामने ठीक शीशा लगा हुआ और ये बेड है। और यहाँ पर एक ये मेज रखा हुआ है, एसी भी लगी हुई है, आप चाहे एसी चला सकते हैं। और ये यहाँ का टॉयलेट साफ और सुथरा। और एक बच्चा यहाँ पर ये आ गया है, ये लग रहा है यहीं पे रह रहा है। और इधर और भी सामने कई कमरे हैं। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी के तट पे, हर की पौड़ी। और ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे, गंगा जी कितनी तेज धारा के साथ बहती हुई चली जा रही हैं। तो चलेंगे हम लोग घाट पे नीचे भी और स्नान भी करेंगे। हर की पौड़ी में आए हैं तो स्नान भी करना जरूरी है। यह सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह है मनसा देवी मंदिर। यहाँ भी चला जाएगा दर्शन करने के लिए बाय रोड। और आपको दिखाएंगे यहाँ के व्यू सुंदर सुंदर से। और यहाँ पर बहुत से विदेशी सैलानी भी आते हैं अपने पाप को धुलने के लिए, जो कुछ पापी होते हैं। फिलहाल हम लोग पाप नहीं किए हैं, लेकिन उससे बचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं माँ गंगा जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स वगैरह बिक रहे हैं। यहाँ पर घाट बने हुए हैं और देखिए स्टील की जो है एक रेलिंग लगी हुई है, वहाँ जंजीर भी लगा हुआ है ताकि आदमी उस पार ना जाए, बहने का डर ना रहे। देखिए लोग स्नान कर चुके हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा का शीतल जल, इसमें लोग पवित्र होते हुए। और पुल पर भी उधर लोग खड़े हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में। देखिए कैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और उस पार जिधर माँ मनसा देवी हैं उधर होटल भी बने हुए हैं। माँ गंगा इसी प्रकार सब पे अपनी दया दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना है मेरी।
और ये सामने जो आप देख रहे हैं यह है धनुष पुल। ये सामने यहाँ पर लिखा हुआ है धनुष पुल है यह, और यहाँ पर घाट है, यहाँ स्नान भी किया जाएगा। बहुत ही सुंदर सा ये धनुष पुल, और देखिए किस प्रकार माँ गंगा तीव्र धारा में बहती हुई। यह है हर की पौड़ी माँ गंगा के पास का भीड़, और ये सामने शंकर भगवान की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है जिसके पीछे हैं हम लोग। और सामने ठीक आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ का क्षेत्र, पहाड़ भी है, और कपड़े बदलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। ये आप देख रहे होंगे SS का बना हुआ है। बहुत ही सुंदर माँ गंगा का स्थान, आप यहाँ आइए तो माँ गंगा की मर्यादा का पालन अवश्य करें, उनका ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर हर स्थान पर, हर घाट पर आपको ये डब्बे मिलेंगे जहाँ से आप गंगा जल भरकर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। और गंगा जी को आपने देखा ही, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ महीने पहले देखिए यही गंगा जी हैं जो रौद्र रूप धारण कर रखी थी, और आज देखिए। तो इसीलिए कहा जाता है समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है। तो एक जगह ना रहिए, धारा के जैसे बहते रहिए और अच्छे विचार फैलाते रहिए। तो साथियों, मैंने गंगा जी में स्नान भी कर लिया और माथे पे तिलक भी लगवाया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग दान कर रहे हैं। तो जीवन में आज पहली बार मुझे भी कुछ दान पुण्य करने का मौका मिला, मैंने भी दान किया है। और यह बहुत ही शीतल निर्मल गंगा जी का जल है, यहाँ पर पावन स्थान है। आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय जय गंगे।